सिर कर रखा है। तो हमने पिछली क्लास में समझ लिया था रिएक्ट स्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है, और फोल्डर स्ट्रक्चर क्लियर हो गया था पूरा हमारा कि कहाँ से क्या प्रोसेस चल रही है। और बाय डिफॉल्ट हमें ऐप कंपोनेंट प्रोवाइड होता है, ठीक है, पूरा क्लियर है सबको। सारे पेज बंद कर दो, सारे पेज बंद कर दो जितने खुले हो, टैब यू कर, ऊपर सारे टैब बंद कर दो, ऊपर भी, ऊपर भी जितने टैब ओपन है। अब देखो, अब तुम चाहते हो कि नहीं यार कि हमारा ही खुद का कंपोनेंट चले बाय डिफॉल्ट, आप चाहते हो हमारा खुद के बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट चले। तो चलो SRC के अंदर एक बनाओ फाइल, SRC के अंदर एक बनाओ फाइल विशाल के नाम से, vishal.js, V कैपिटल, कंपोनेंट का हमेशा पहला लेटर कैपिटल रखना, ठीक है। चलो अब विशाल ने कहा कि नहीं सर, हम नहीं चाहते कि app.js मेन कंपोनेंट हो, पेरेंट, हम चाहते हैं हमारे नाम से मेन कंपोनेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब बनाओ यहाँ पे फंक्शन, कंपोनेंट क्रिएट करो, फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखो विशाल, कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ, वी कैपिटल विशाल का, कंपोनेंट का पहला लेटर हमेशा कैपिटल रखना, रिटर्न करो, रिटर्न, फंक्शन का साइन लगाओ, एंटर दो, लिखो उसके अंदर H1 में विशाल, सिंपल, ठीक है। अब एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं, अब इन चीजों की आदत डाल लो आप लोग, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, अब क्या करना होगा हमें, जानते हो, हमें चलना होगा इतना, और लिखो तो यहाँ पे विशाल, नहीं लिखोगे क्या, प्रैक्टिस नहीं करी घर में बिल्कुल भी, विशाल लिखो वहां पे, देखो जी नहीं प्रैक्टिस है घर पे, वी कैपिटल आएगा महाराज, प्रैक्टिस किया करो घर पे। चलो अब चलते हैं हम कहां पर, इसके बाद app.js पे आ जाओ, सॉरी अपने इंडेक्स पे, ऐप पे क्यों आना, हमारा खुद का आना ना। तो अब लाइन नंबर 10 के नीचे आओ, लेस देन का साइन लगाओ, कंपोनेंट कॉल करो यहाँ पे, देखो विशाल वी कैपिटल अपने आप आ जाएगा, वो आ रहा नीचे, देखो और बंद कर दो उसको, प्रैक्टिस करा करो विशाल, ठीक है। लाइन नंबर 11 को बंद, कमेंट कर दो। अब बाय डिफॉल्ट कौन सा कंपोनेंट चलेगा आप लोगों का, विशाल वाला, जाके चेक करो वेबसाइट पे, देखो यस चल रहा है सब सर। लोगों को। अब बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा चलेगा, विशाल, ठीक है, इनको भी दिखा दो, आप लोग भी कर लें इतना काम, सही रिएक्ट डॉम वाला कौन सा है? देखा रिएक्ट डॉम दिखा देना उसको, ये स्टार्टिंग का चल रहा है वैसे तो, बाय डिफॉल्ट कौन सा कंपोनेंट कॉल होता था, ऐप वाला, आपने क्या किया अपना खुद का कंपोनेंट कॉल कर लिया,
कर लिया काम इतना सबने? यस सर। चलो तो चलो अब बाय डिफॉल्ट अब समझ में आ गया, तो ऐप वाली चालू कर दो, ऐप वाली चालू कर लो है ना, हमें ऐप वाली से काम है पूरा सब कुछ। अब विशाल को बंद कर दो, ठीक है? तो वो वाला भी बोल, लाइन नंबर 6 को भी कमेंट कर दो। तो इतना हमारा क्लियर हो गया सिस्टम है ना। तो अब बात करते हैं हम कंपोनेंट की, ठीक है? तो मैंने आपको कहा था कि पूरा रिएक्ट या पूरा एंगुलर सारे कंपोनेंट बेस्ड हैं, सारा कुछ कंपोनेंट पे ही चलेगा है ना। तो अब जैसे मान के चलो हमें एक वेबसाइट डिजाइन करनी, एक वेबसाइट को सेटअप करना है रिएक्ट के अंदर, तो कैसे होगा? तो आपको एक्सपेस में पता होगा हम हेडर बनाते थे, फुटर बनाते थे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट है ना पेज। तो वही पेज को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है? तो चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, SRC के अंदर चल के एक बनाते हैं फोल्डर कंपोनेंट नाम का। SRC के अंदर एक सब लोग बना लो फोल्डर कंपोनेंट नाम का। चलो बन गया सबका फोल्डर कंपोनेंट नाम का। यस सर। अब उसके अंदर एक बना लो फाइल header.js क्यों आएगा, header.js, footer.js, home.js, और सारे कैपिटल में होने चाहिए, सारे कैपिटल में होने चाहिए। सर तीसरे का नाम क्या था? home.js। होम बन गया। तीनों के अंदर बना लो कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट करो। अभी तो किए थे अपन कंपोनेंट क्रिएट, फंक्शन, फंक्शन का नाम होम, रिटर्न रिटर्न होम पेज, एक्सपोर्ट कर लो ऐसे सारे, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट आता है सारे नाम लो कंपोनेंट क्रिएट कर ले। होम अबाउट हो गए सारे, फुटर हो गया, बस इतने काफी, चार काफी है, बस समझ लो। चार काफी हैं। डिफाइन कर ली सब लोगों ने? यस सर।
यस सर। बाकी उन लोगों ने चलो तो अब चलते हैं हम कहां पे app.js पे आ जाओ app.js पे आ जाएं सब लोग और जो लिखा है ना डिप के अंदर h1 इसको डाल दो यहां पे कॉल कर दो डिप भी डालो यहां से डिप। अब देखो सब लोग सुनो अब एक चीज सब लोग सुनो यहां पे कुछ समझाना चाहता हूं देखो अब मैं यहां पे लिखता हूं सिंपल लिखता हूं h1 लिखो एक चीज सीखो jsx क्या होता है वो थोड़ा सीखो jsx नाम भूल गया क्या था उसका रिएक्ट नाम क्या था उसका हाँ JSX ही था JSON extension ठीक है। अब देखो JSX कैसे काम करता है वो देखो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लिखा H1 लिखो H1 लिखो हेलो सिंपल हो गया H1 में हेलो सेव करो जाके चेक करो ब्राउज़र हेलो आ रहा है ब्राउज़र हेलो आने लगा सब का आ रहा है हेलो चेक करा दो Yes, अब हम लोग क्या कर रहे हैं आप समझो हम लोग जो कोडिंग कर रहे हैं ना वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर कर रहे हैं स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग एचटीएमएल वाला काम कर रहे हैं आपको दिख रहा है ना फंक्शन के अंदर हम एचटीएमएल वाला काम कर रहे हैं तो अगर आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ा था तो आपको याद होगा कि हम एचटीएमएल वाला काम बॉडी के अंदर करते थे और फंक्शन वाला काम स्क्रिप्ट के अंदर करते थे याद है एक साथ मर्ज नहीं कर पाते करते थे याद है कि नहीं याद है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कहीं आप कर पाते थे फंक्शन के अंदर रिटर्न के अंदर लिख दिया डायरेक्ट एचटीएमएल चल गया नहीं चलता था ना मगर यहाँ पे चल रहा है ठीक है मगर अब देखो अब नीचे आओ अब दोबारा लिखो H1 में हेलो अब देखो ये एरर दे गया एरर अब बंद करो लिखते रहो पूरा लिखते लो H1 में पूरा वो कर ली बाकी जो ब्रैकेट एंड कर नीचे पेस्ट कर दिया करो लास्ट वाला ब्रैकेट H1 के बाद जो चल रहा है रिटर्न का रिटर्न वाला ब्रैकेट इसको नीचे पेस्ट कर दो वो थोड़ा सही लिखा अगर कोडिंग अब भी कोडिंग अगर गलत था लिखोगे कैसे काम चलेगा हाँ तो अब देखो एरर आ गई तो अभी तुम सोच रहे हो यार एक चल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी अगर मैं डिप के अंदर रख लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है डिप के अंदर रख देना लाइन नंबर 2 के नीचे डिप बना दो इन दोनों को डिप के अंदर रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है इसको देखो मतलब वो कह रहा कोई ना कोई जमीन तो होनी चाहिए वो कह रहा है कि कोई ना कोई जमीन लेके चलो उसके अंदर घर बनाओ अब देखो कोई दिक्कत नहीं है अब कितना भी आपको जो भी काम करना है इसके अंदर ही करना है अब सोच आप डिप के बाहर चलो डिप के बाहर एक बनाना है H1 लिखा और वन पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए एक H1 पेस्ट कर दो फिर एरर आ गया लो एरर आ गया समझ आ रहा कि नहीं आ रहा सबको यस सर यस सर क्योंकि जो रिएक्ट है वो क्या यूज करता है देखो नीचे लिखा रहा है देखो JSX एलिमेंट मस्ट भी लिखा है नीचे देखो पूरी लाइन देखो पढ़ो क्या यूज करना पड़ेगा मैं JSX फ्रेगमेंट का देखो ये लिखा है नीचे देखो लाइन में लाइन नंबर देखो लाइन पे नीचे एरर दे रहा है ये लाइन पढ़ लें आप लोग और वेबसाइट में चले वेबसाइट ओपन करो रिएक्ट की देखो एरर देखो सब लोग सामने एरर देख लो यहीं दिख रही है एरर देखो अब ओपन करो देखो सब लोग एरर पढ़ लें अब रिएक्ट की वेबसाइट ओपन करो तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें और मेन कंसेप्ट पे क्लिक करें राइट साइड बार में हाँ देखो हेलो वर्ल्ड वाला काम हो गया हमारा अब लिखा है इंट्रोड्यूस JSX पे क्लिक कर दो अब पढ़ो ये क्या होता है होता कुछ नहीं ये भी एक एचटीएमएल की तरह काम करता है सब लोग पढ़ें क्या होता है JSX क्या एक एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट का JSX दिखा दे पूरा
नीचे आ जाओ थोड़ा, काम पूरा करेगा जावास्क्रिप्ट के जैसे ही, ठीक है। हमें जावास्क्रिप्ट, हमें रिएक्ट के अंदर क्या यूज करना होता है, जेएसएक्स, मगर काम कैसे करेगा ये एचटीएमएल के जैसे ही पूरा। और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, बस 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 बस, ठीक है, चलो सबने पढ़ लिया। अब देखो बताते जाऊंगा कैसे कैसे यूज करना होता है हमें, तो चलो आ जाओ कोड में, आ जाओ कोड में। तो अब मैं क्या करना होगा, मुझे हटा दो, वो बता रहा ना साइन लगाने के लिए, ये साइन लगा लो, जो साइन दिखा रहा था वो पिगमेंट के, ये वाले साइन एंटर दे दो। अब आपको जो भी एचटीएमएल का कोड करना होगा, जो भी जेएसएक्स का कोड करना होगा, वो इन टैग के अंदर करने होंगे, ठीक है। या डिव लगा लो, या तो आप डिव लगा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप जेएसएक्स का ही लगा सकते हो। अब चला के देखो एच1 में, धीमे धीमे बताते जाऊंगा सब कुछ इसमें आप लोगों को। अब जाके चेक करो, चल रहा है साइड पे। अब ये को लिख के देखो एच1, सेव कर लो, चल गए दोनों। जब भी आप एचटीएमएल की कोडिंग करोगे फंक्शन के अंदर, तो ये टैग लगा के चलना, ठीक है। कोई डाउट समझ में आ गया, और धीमे बताते जाऊंगा जीएसएक्स होता क्या है। इसके अंदर हम लोग क्लास की बल्दी यूज करेंगे, क्लास नेम का मैं बताता जाऊंगा, हमें चल के धीमे धीमे चीजें आप लोगों को कैसे इसके अंदर हम एचटीएमएल का काम करेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज क्या होती है, जीएसएक्स, ठीक है, एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट का ही, मगर काम वही है एचटीएमएल वाला, जो हम एचटीएमएल यूज करते हैं ना, टैग टैग सारे वही यूज होंगे, बस कुछ चीजें चेंज होंगी, वो आपको मैं साथ साथ उतर चल पता चलूंगा। तो चलो ये दोनों हटा दो, और यहाँ पे हेडर और फुटर, हेडर होम और फुटर कॉल कर लो, हेडर कॉल करो। वैसे हेडर वो अपने बात आ जाएगा, देखो आ रहा, बंद कर दो फुटर, हेडर का होम, होम होम आएगा ना, होम कंपोनेंट। होम हुआ नहीं तुम्हारा कौन, तुमने होम में वो कर रखा है एक्सटेंड, होम कंपोनेंट जाकर देखो पहले, सेव कर लो उसको, सेव। अब जा करो app.js में, दोबारा होम लिखो, वो आ गया, ये आने चाहिए यहाँ पर। अगर आपके बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके कंपोनेंट सही तरीके से बने नहीं हैं। सब लोग अब जाकर चेक कर लो वेबसाइट पे, हेडर होम फुटर आ गया। ऐसे एंगुलर में होता है, एंगुलर में किस में जाते हैं हम लोग, app.js में जाते हैं, ऐप कंपोनेंट के अंदर, तो सब सेम सेम है ये दोनों चीजें, इनको दिखा दो उतना। कर लें आप लोग इतना काम, कर लिया काम इतना। सबसे पहले हमें क्या करना है, बूटस्ट्रैप की लिंक कॉपी कर लो, बूटस्ट्रैप की लिंक कॉपी करके कहां पेस्ट करोगे, पब्लिक के अंदर इंडेक्स वाले पेज में जाके, index.html में जाके पेस्ट कर लो, CSS और स्क्रिप्ट वाली लिंक दोनों पेस्ट कर लेना, CSS और स्क्रिप्ट की दोनों लिंक पेस्ट कर लो। पब्लिक के अंदर जाना है index.html में, वहां पे हेडर में CSS वाली पेस्ट कर देना, और बॉडी के एंड में स्क्रिप्ट वाली पेस्ट कर दो, और सेव कर दो। अब आ जाओ हेडर के अंदर,
चेक करते हैं कि लिंक हुआ कि नहीं हुआ। हेडर कंपोनेंट पे आ जाएं, हेडर के कंपोनेंट में चलो एचटीएमएल में क्लास लगा लो पहले, सबसे पहले तो पहले टैग लगा लो जेएसएक्स वाला, वो हटा दो, हाँ उसका ना ले लो। चलो अब उसके अंदर क्लास लगाओ, एच वन के अंदर क्लास लगा के चेक करो बीजे इन्फो, एच वन के अंदर क्लास लगा लो बीजे इन्फो और चेक कर लो बूट स्टेप कॉल हुआ कि नहीं हुआ। देखो बूट स्टेप कॉल हो गया हमारा, यस सर, सब देख लें, इनको भी दिखा दो बूट स्टेप हमारा कॉल हो गया। सर पर एक प्रॉब्लम है सर। क्या बताओ सर? जो अपन जैसे अभी तक VS Code में काम कर रहे थे उसमें सर क्लास लिखते थे, मतलब सी लिखा तो पूरी क्लास आ गई, सर इसमें बहुत कुछ लिखना पड़ रहा है। हाँ मतलब ना अगर H1 टैग भी है तो सर एक आध दो वीडियो देखो VS Code के, कि VS Code के अंदर कोडिंग कैसे करते हैं HTML की, शॉर्ट का तरीका। नहीं सर विशाल सही कह रहा है, अरे सबलाइम टेक्स्ट से चल रहा है। अरे एक आध दो वीडियो तो देखो, मेरे पता नहीं चलता जब मैं कोड करता हूं तो। सर इसमें वाकई में चल रहा है, कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा कोड में तो। अच्छा वही तो कह रहा हूं, अब एक आध दो वीडियो देखें थोड़ा। अब देखो सब लोग यहां पे, अब हमने यहां पे क्या यूज किया, क्लास यूज किया, आपको दिख रहा है यहां पे क्लास लगाया तो हमने यहां पे क्या लगाया, क्लास लगाया। तो जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जेएसएक्स का यूज करते हैं ना तो क्लास नेम लगाते हैं, क्लास नेम लगा देना आगे एन कैपिटल, क्लास एन कैपिटल नेम लगाते हैं, नेम देखो आ रहा है वो आगे देखो अपने पास। हम लोग क्या यूज करेंगे, क्लास से भी चलेगा, आपको पहले क्लास चलाओ, क्लास से लगा दो, क्लास से चला दो पहले, सबसे पहले क्लास से चला के देख लो पहले, कंट्रोल जेड कर लो, सेव करो। सेव करो, जाओ वेबसाइट पे इंस्पेक्ट करो और कंसोल में जाके चेक करो। अब देखो आप लोग कह रहे हैं दिख रही कंसोल में, क्या कह रहा है वो, रिएक्ट डज नॉट दिखा ना, लिखा एसएम क्लास प्रॉप लिखा ना, प्रॉप डोम एलिमेंट पूरा लिखा हुआ, देखो थोड़ी रामड दिख रहा है सबको, तो क्लास नेम कर दो, यहाँ एरर दिखेगी नहीं कंसोल में, एरर दिखेगी तो क्लास नेम लिखा जाता है साथ में यहाँ पे, ठीक है, और एन कैपिटल। चलो अब जाके चेक करो एरर कंसोल में, देखो हट गई एरर सारी, ठीक है। और दूसरा चीज और बताता हूं, कोड में आओ और दूसरा पॉइंट देखो, कोड में आओ, अब इमेज एसआरसी लिखो, इमेज एसआरसी सिंपल लिखो, आईएमजी सिंपल लिखो, आईएमजी टैग हटाओ, सिंपल लिखो आईएमजी टैग हटा दो, आईएमजी आई स्मॉल में लिखो महाराज, इतनी जल्दी क्यों लिखते हो, ऑप्शन आता नहीं आता अपने आप, तुम्हारे में नहीं आ रहा, टैग से देखो टैग से आएगा, फिर टैग लगा लो, टैग लगा के आईएमजी और एंटर दे दो, तुम्हारे मान आ नहीं रहा आ जाता है बनना। तो अब देखो जेएसएक्स में क्या होता है, अब उसके अंदर देखो एसआरसी, एसआरसी लिखो इक्वल, अब देखो जी एरर दे रहा है सब लोग, तो यहाँ पे हमें टैग क्लोज करना होगा, इमेज को भी क्लोज करना पड़ेगा, डबल कोट के बाद स्लैश लगा दो, डबल कोट के बाद स्लैश, ठीक है याद रखना, और अलर्ट का भी यूज करना पड़ेगा इसके अंदर आगे चल के आप लोगों को, ठीक है। वेबसाइट चलो हॉस्पिटल की,
वहां से लोगो कॉपी करना। लोगो कॉपी कर, लोगो कॉपी। ये लिंक कॉपी कर लोगों की। वो लिंक पेस्ट करो एसआरसी के अंदर पहले, ठीक है। अब अलर्ट लगाओ, अलर्ट अल्ट का यूज करते थे अल्ट का, अरे बाद में पहले अल्ट आएगा फिर स्लैश आएगा। कुछ अल्ट का यूज पता है ना क्यों करते हैं? बस स्पेस मत दो तक क्यों लिख रहे नाम। यस सर। अब चेक कर जाके मैं सो रही है ना रही है, तो मतलब यहाँ पे कोई भी टैग ओपन नहीं रहेगा, उसको आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। अब इनपुट पे आओ, इनपुट पे आओ, इनपुट लिखो उसके अंदर, इनपुट नीचे। तो ये चीज आप लोग याद रखना, इनपुट भाई तुम्हारे में। यहाँ देखो, अब देखो इनपुट भी क्लोज करना पड़ता है, वो बाय डिफॉल्ट खुद ही आ रहा है। देखो बाय डिफॉल्ट खुद ही आता है क्लोज के लिए, तो ठीक है। तो आप जैसे एचआर है, वीआर है, तो इन सबको आप लोग क्लोज करके चलना, वरना एरर देगा आपके भाई। क्लियर सबको? चलो अब क्या करना है, फर्स्ट पेज पे आ जाओ। सब लोगों को फर्स्ट पेज का होम पेज बनाना है। बना पाओगे? यस सर। होम पेज बनाना है फर्स्ट पेज का। सर इसकी जगह कोई दूसरी दे दीजिए सर, ये बना बना के काफी और बना ली। ठीक है सर, तो काम और काम दे तो रखा है मैंने, ई कॉमर्स वाला पूरा इतना बड़ा काम करने के।